आज की मूवी है विचक्राफ्ट के बारे में। शुरू में दिखाया जाता है कि एक आदमी पानी में डूब रहा है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक फोटो और एक लाइटर दिखाया जाता है जो उसकी बीवी मर गई है और वो उसके फ्यूनरल में उसके आखिरी बिलोंगिंग्स दफना रहा है। अचानक उसे कुछ साया नजर आता है। अचानक उसकी बीवी का ताबूत हिलने लगता है और ताबूत से पानी निकलने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एरिक की नींद खुल गई है और ये एक बुरा सपना था। एरिक की वाइफ रेचल थी जिसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई और मौत के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। वो शायद अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी, ऐसा एरिक को लगता था, इसलिए वो काफ़ी परेशान था और उसकी डेथ से ज़्यादा ही परेशान हो गया। फिर दिखाया जाता है कि एरिक घर पर आता है और अपने कुत्ते के साथ खेलता है। उसकी माली हालत बहुत ख़राब होती है, इसके वजह से फिर वो नौकरी की तलाश में लग जाता है। क्लासिफाइड में उसे एक जॉब मिलती है जो एक शेपर्ड की रहती है, जहाँ पे उसे भेड़ बकरी संभालने का काम करना था एक रिमोट आइलैंड पर। ड्रॉअर में उसे एक बच्चे का हाथ का एहसास होता है। ड्रॉअर खोलने पे देखता है तो उसे अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मिलता है जो उसी के बच्चे का रहता है। इससे एरिक काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एरिक है ना गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा है, वो एक्चुअली अपने माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ नाराज थी क्योंकि एरिक ने रिचल से शादी कर ली थी। एरिक जब घर पे पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी करने से उसके डैडी को सदमा लगा और उनकी डेथ हो गई है। एरिक की माँ उसे अपने घर पर नहीं लेती है। एरिक को बहुत अकेलापन महसूस होता है, उसे ऐसा लगता है कि अब वो दुनिया में अकेला रह गया है। फिर वो अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करता है पर उसे ये हो नहीं पाता, इसलिए फिर वो रोने लगता है। अचानक दिखाया जाता है कि फिर वो एक शिप पे बैठकर कहीं जा रहा है, उसी आइलैंड में जा रहा रहता है जहाँ पे उसे शेपर्ड की जॉब मिली रहती है। अचानक दिखाते हैं कि रेचल का लाइटर लेकर वो उसे देख रहा है और उसे शिप में एक मछुआरन मिलती है जिसकी एक आँख खराब रहती है। मछुआरन पूछती है, तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो? एरिक बोलता है कि उसे अकेला रहना है और काफ़ी परेशान है। फिर वो मछुआरन उसे उस आइलैंड पर लेके जाती है। आइलैंड पर एक कैबिन बना होता है। मछुआरन उसे कैबिन के पास छोड़ती है लेकिन एक दायरे के अंदर तक रहती है, उसे क्रॉस नहीं करती है। फिर वो एरिक को समझाती है कि यहाँ पे सब भेड़ बकरी, इसे संभालना है और इसी कैबिन में रहना है। वहाँ का जनरेटर काम नहीं कर रहा है इसलिए लाइट नहीं है वहाँ पर। फिर एरिक को समझाती है कि उसे भेड़ बकरियाँ यहीं चरानी पड़ेगी और उसके साथ में एक जनरल देती है और बोलती है इसे अपने पास संभाल कर रखो। ये सब बताने के बाद मछुआरन वहाँ से चले जाती है। के बाद एरिक कैबिन की तरफ मुड़ता है और कैबिन के अंदर घुस कर कैबिन साफ करने लगता है। उसे एक फोन दिखाई देता है और वो फोन उठा के देखता है तो फोन डेड होता है। उसके बाद फिर वो नल में देखता है कि पानी नहीं आ रहा, तो फिर वो पानी लेने आगे जाता है और उसे एक कुएं में पानी मिलता है। कुएं में उसे एक रिंग और एक चेन भी मिलती है, उसे कैबिन में ले आता है। अजीब सा सिंबॉल देखने मिलता है हमें। उसके बाद फिर वो अपने बैग से सब सामान निकालने लगता है। उसके बाद फिर वो अपने दीवार पे घड़ी भी लगा देता है। उसके बाद फिर वो जाता है और सब शेपर्ड्स को जमा कर अपना काम शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन क्या लिखूं उसे समझ में नहीं आता। उसके बाद फिर वो वापस अपने कैबिन में आता है जनरेटर स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जनरेटर स्टार्ट नहीं कर पाता। उसके बाद फिर उसे कुछ पुराने जर्नल्स मिलते हैं, उसे देखता है वो और पढ़ने की कोशिश करता है। उसे समझ में आता है कि ये कोई विच की कहानी है जो पूरी लिखी हुई है और असली विच थी वो। उसके बाद वो डर जाता है। अचानक घड़ी बंद हो जाने के कारण फिर वो ऊपर जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, ऊपर जाकर सोने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अकेले में डर लगता है उसे। फिर वो वापस आकर सोने की कोशिश करता है। अचानक उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने के कारण वो देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं रहता। फिर वो सोने की कोशिश करता है और उसे सपने में नाइटमेयर्स आते हैं उसकी वाइफ रेचल के।
सुबह हो जाती है और वो नीचे आता है, देखता है तो रेचल के कप में पहले से ही गर्म पानी मौजूद है। ये देखने के बाद वो काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसके और उसके डॉगी के अलावा इस आइलैंड पर और कोई नहीं रहता। फिर वो जाता है शिप को खाना देने के लिए और शिप अचानक उसको विस्परिंग की आवाज़ आती है। देखते हैं तो सब शिप हैं और शिप गायब हो जाते हैं और फिर शिप अचानक वापस आ जाते हैं। ये देखकर वो काफ़ी चकाचौंध हो जाता है। कैबिन में जाकर वो रिचल के कप को तोड़ देता है, कुछ लकड़ियों का टुकड़ा उठाकर वो चलता है। तभी लाइट हाउस की तरफ से देखता है कि वो मछुआरन वहाँ से गुजर रही है और वो आवाज़ भी देता है, पर वो मछुआरन पलट कर नहीं देखती। फिर वो लाइट हाउस के पास जाकर उसके कैबिन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर लाइट हाउस नहीं खुलता। फिर वो लिखने की कुछ कोशिश करता है, सो जाता है और अचानक उसे फिर से नाइटमेयर उसके वाइफ के आने लग जाते हैं और फिर उसे वो काला साया फिर से दिखाई देता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और सुबह हो जाती है और वो देखता है कि उसकी मम्मी उसके कैबिन में आ गई है, जबकि कैबिन में आने का खाली एक ही जरिया है, वो है शिप। अचानक अपने माँ को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि आप आई कैसे। माँ इग्नोर कर देती है और उसको जवाब नहीं देती। फिर उसकी माँ उसे नाश्ता देती है और नाश्ता खाते खाते वो रिचल को भला बुला कहती है और बोलती है कि रिचल एक डायन थी और वो एक शैतान का बच्चा पैदा करने वाली थी। फिर वो प्लेट धोते धोते अचानक उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है और वो काफ़ी गुस्से में आकर बोलने लगती है, जिसकी वजह से अरे घबरा जाता है। अचानक उसकी माँ का रंग चेंज होते रहता है और वो आस्ते आस्ते डायन का रूप लेने लगती है। फिर वो एक चाकू से इसके ऊपर हमला भी कर देती है। अचानक इसकी नींद खुल जाती है और ये देखता है कि ये एक बुरा सपना देख रहा था। उसके बाद वो नीचे आता है तो देखता है तो उसका पैट नहीं है। अचानक कैबिन में फ़ोन बेल रिंग होती है। फ़ोन उठाकर सुनता है तो देखता है कि सामने वही मछुआरन उससे बात कर रही है। मछुआरन से वो बोलता है कि मैं काफ़ी डर गया हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन मछुआरन बोलती है कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें वहीं काम करना है और वहीं रहना है। इस बहस के बाद वो काफ़ी उदास हो जाता है और बाद में फ़ोन पटक कर वहीं पे छोड़ देता है। उसके बाद वो अपने पेट को ढूंढने निकलता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे पेट नहीं मिलता। उसे एक काला साया नज़र आता है। आगे जाके देखता है तो उधर कुछ नहीं रहता। फिर उसे एक शिप दिखता है और वो आस्ते आस्ते चल के शिप के अंदर चले जाता है। शिप के अंदर जाने के बाद देखता है कि शिप पूरा खाली है और उसे वहाँ पे एक चाबी मिलती है। वो चाबी ले लेता है और वापस कैबिन में आकर सो जाता है। और उसे फिर दूसरे दिन सुबह वापस वही जगह पे जाता है जहाँ पे उसे शिप दिखाई दी थी, लेकिन शिप नहीं मिलती है। उसके हाथ में एक छुरी भी रहता है। फिर वो छुरी वहीं रख देता है और वापस कैबिन में आकर कुछ लिखने की कोशिश करता है। फिर उसे वो जनरल का याद आता है और वो पुराना जनरल निकालता है और जनरल खोल कर देखता है तो ये उसी विच के बारे में है। अच्छा, इस जनरल में इस सेम आइलैंड के लाइट हाउस को देखता है तो सरप्राइज हो जाता है। और उसके बाद उसमें देखता है आगे तो डेविल बना हुआ होता है और उसका डॉग जो होता है उसका भी फोटो होता है। काफ़ी घबरा जाता है। फिर वो रिंग देखता है गौर से जो उसे कुएं में मिला होता है। तो अच्छे से देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये रिंग उसी के वाइफ का है, रिचल का। एरिक काफ़ी परेशान हो जाता है और परेशानी में सोचता है कि अब वो क्या करे, कैसे वापस जाए। अचानक फ़ोन बेल रिंग होता है और एरिक फिर फ़ोन उठाकर बात करता है तो सामने वही मछुआरन रहती है। मछुआरन उसे बोलती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे कार एक्सीडेंट में क्या क्या हुआ था। एरिक बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक हादसा था और वो एक एक्सीडेंट था, उसके अलावा कुछ नहीं था और मुझे अपने घर जाना है, मैं काफ़ी परेशान हूँ। एरिक एक्सप्लेन करता है उस मछुआरन को कि मैं कार में जा रहा था, मैं काफ़ी नशे में था और मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हो रहा था और अचानक फिर कार एक्सीडेंट हो गया और कार समंदर में गिर गई। और ये एक्सप्लेन करने के बाद वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। तो मछुआरन पूछती है कि और भी कोई था, तो उसने बताया कि हाँ मेरा बच्चा भी था क्योंकि रिचल प्रेग्नेंट थी। एरिक अचानक सुबह बाहर आता है तो देखता है कि सब शिप फटे हुए पड़े हुए हैं और उसके साथ में उसका पेड भी था। अब वो डर गया है, कैबिन में आ जाता है और वो सब टेबल कुर्सी लगा देता है दरवाजे पर, कोने में बैठकर डरा हुआ बैठा रहता है। अचानक उसे वापस उसकी वाइफ का सपना आता है
और वो साया और उसका बच्चा भी दिखता है उसे घड़ी घड़ी। बहुत परेशान हो जाता है वो, तो घासलेट गिरा देता है और उसे काला साया दिखता है। जब काला साया उसके पास आने लगता है तो उसे पता चलता है ये तो रेचल है। काफ़ी घबराया जाता है और वो कैबिन में आग लगा के भाग जाता है पानी की तरफ। और पानी में भागते भागते वो उसे वो जहाज दिख जाता है और उसकी बीवी बाहर आकर जलती हुई हालत में दिखती है। अचानक वो पानी में अपने आप को पाता है और पानी के अंदर रेचल रहती है और रेचल उसे पानी में घसीटती है। ये स्टार्टिंग का जो सीन था ये सेम वही सीन दोहराया गया है। फिर एरिक को हम देखते हैं कि वो एक आइलैंड पे पड़ा हुआ है बेहोश। कुछ लोग भाग कर आकर उसे बचा लेते हैं और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में चला गया है और अपना कन्फेस कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। एरिक उसे अपने टापू के बारे में भी बताता है कि मैं टापू में कैसे फंस गया था। डिटेक्टिव उसे पूछती है कि टापू का लोकेशन या वो मछुआरन का नाम। एरिक को कुछ समझ में नहीं आता। फिर एरिक से उसके एक्सीडेंट के बारे में पूछती है तो एरिक बताता है कि उसकी उसकी कार एक पहाड़ की चोटी पे अटक गई थी और उसे ऊंचाई से डर लगता था इसलिए वो कार से उतर गया। उतरने पे बैलेंस एक तरफा होने के कारण उसकी बीवी नीचे गिर गई समंदर में। एक्सीडेंट की सच्चाई सुनने के बाद डिटेक्टिव वहां से चले जाती है। एरिक काफी उदास होता है। फोन बेल रिंग होती है। एरिक फोन उठाता है तो वही मछवारन का आवाज सामने से आता है। मछवारन बोलती है कि तुम आयरन छोड़ के कैसे भाग गए। इसने बोला मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं अब तो पुलिस को भी सब सच्चाई बता चुका हूँ। मछवारन बोलती है तुम सच्चाई कितनी भी बता दो तुम है ना अपने कर्मा से नहीं भाग सकते। तुम्हारे को अपना कर्मा भुगतना ही पड़ेगा जो तुमने किया है। एरिक बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। वो बोलती है मुझे सब पता है। तुम्हारी माँ मर चुकी है और तुम्हारी माँ उसी चाकू से मरी है जो चाकू तुमने अपने खुदकुशी के लिए इस्तेमाल किया था। अब वो चाकू का निशान पुलिस को मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि खून किसने किया है। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे। एरिक पूछता है कि तुम हो कौन? तो कहती है मैं हूँ नसीब की गुलाम। और फिर हमें वही सिंबल देखने मिलता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। एरिक पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वो वहीं पहुंच गया है सेम वही टापू पे। और उसे पता चल जाता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस टापू पे फंस गया है। अब वो उस टापू से बाहर कभी नहीं निकल सकता। यहाँ पे ही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जितना हो सके उतना कीजिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।